ना वो बहुत आपको ये नहीं मिलेगा अभी इसमें कहीं भी मिलावट होगा, जो सरदार होगा वो बिल्कुल अच्छी और फ्रेश चीज बनाएगा। सरदार इसी के लिए माने जाते हैं, वो गंदगी नहीं डालते इस चीज के अंदर। जैसा नाम वैसा काम। ये तड़का लगाने लगे आपको, तड़का लगाने से अंदाजा हो गया था कि इनकी क्वालिटी कैसी है। ये आ गया आपको सिर्फ बटर। सर ये बटर कौन सा? ये सर ग्लेशियर से है। अच्छा, ये फैट का से बटर होता है। अच्छा, ये फैट वाला? ये फैटलेस है। जो फैट वाला चाहिए वो अमूल का है। ओके, ये लीजिए दोस्तों, ऊपर से बटर रॉ। ये आ गया जी ऊपर से, ये छोले और आलू मिक्स होते हैं। ये सर पहले बॉईल करके रख लेते हैं? हाँ जी, इसको उबालना पड़ता है। उबालने के बाद इसको इकट्ठा करके इसके अंदर मसाले चना इसमें मिक्स किया हुआ है। मिक्स किया हुआ। ये देखिए दोस्तों, धुआं निकलता भी क्या बढ़िया लगता है। इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग और गर्म होने के बाद ज्यादा टेस्टी होता है। अच्छा, मेहनत तो लगती है। ये देखो, ये जिम से ज्यादा काम हो रहा है। ये देखो, ये असली जिम तो ये है। अब ये तैयार। ये देखिए, अच्छा इसको फिर तड़का लगाने के बाद इसको रख लेते हैं, फिर के रख लिया जाता है। और ये देखिए दोस्तों, साफ सफाई का कितना ध्यान है। जैसे जैसे ऑर्डर आता जाएगा ये ऐसे ऐसे निकालते जाएंगे इसको। सी है ना, मियां बीवी साथ में काम करो ना, जरूरत भी नहीं है किसी और बंदा। अरे क्या तड़का लगाने के बाद उसको पूरा क्लीन किया जा रहा है। अब पनीर डाला जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ऊपर से पनीर की बारिश। ये जो जितना भी तड़का लगाया है उसके ऊपर सभी यहाँ पे ये पहले फिलिंग करके रख लेंगे। स्पीड देखो, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। आपको उनके काम करने से पता चलता है। सर आपका नाम क्या? सर मेरा नाम सरदारा सिंह बाकी है जी। हाँ, मेरा निकनेम बाकी है, नाम उसी नाम से ही। तो सर आपको कितनी देर हो गई है? मेरे को यहाँ पर 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल से काम कर रहे हैं। तो सर इस बिजनेस में कैसे है? शौक था जी, दिखाने पीने का काम करना हूँ, अपना काम करना है। ये किसी के नौकर नहीं बनना, नौकर नहीं मालिक बनना है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बोला था ना, ये नौकरी करने से अच्छा है खुद का छोटा बिजनेस करो और मालिक बन करके। मैं देख रहा हूँ आपकी साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। तब आप कहीं बाहर अंदर जाते हो, आप खाने पीने के कितने स्टॉल देखते हो, कितनी गंदगी होती है, कहीं मक्खी होती है, कहीं कोई सफाई नहीं होता। जो सरदार इस बिजनेस में आता है ना, सरदार कभी अपने काम से गिरदारी नहीं करेगा। जो सच्चा सरदार है वो इसको पूरे सफाई से काम करेगा, सफाई में प्योर देगा और अच्छी चीज़ देगा, और सबसे ज़्यादा ये फ्रेशनेस देगा। वो बासी माल या कल का बच्चा वो नहीं मिलेगा। ये सरदार की खासियत है। बहुत बढ़िया सर। एक और बात बताएं, अगर आपके पास किसी ने आना है तो यहाँ का एड्रेस समझाएं। अगर किसी ने मेरे पास आना है, यहाँ का एड्रेस है जी सोमवार मंडी चौक, आनंद नगर बी, नियर दीप नगर, पटियाला। अच्छा, और अपना टाइम भी बता दी। टाइमिंग सुबह 11:30 बजे से रात 8 बजे तक। आपके पास किस तरह के कुलचे और मिल जो जो बन रहे हैं? ये देखिए जी, है मक्खन पनीर वाले कुलचे, मेयोनीज क्रीम कुलचा, पनीर भुर्जी कुलचा, मक्खन पनीर कुलचा, अमूल बटर कुलचा, देसी घी कुलचा, काफ़ी तरह के कुलचे हैं। सर ये जो बॉल रखे हैं आपके, बड़े अच्छे बॉल हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये देखिए कि आजकल के जो लोग हैं ना, बहुत बरमानी में ग्रस्त हो रहे हैं। ये सर्व लोह है, इसके अंदर हमारी आयरन की जो कमी है पूरी करते हैं। पहले को जो ऋषि मुनि गुरुओं ने, साधु संतों ने जो बताया था कि पीतल के पानी में पीना, ऐसे जो गुरु साहब ने सर्व लोह में खाने को बताया है, इसके आपके शरीर में बहुत सारी कैंसर तक के रोग ठीक होते हैं, ये सिद्ध हुआ है। तो इसमें खाने से बहुत ताकत मिलती है। जब से स्टील आए हम लोग ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं। जो जितना भी हम रखते हैं इसको, जितना हो सके हम इसको आयरन के ये जो हैं शुद्ध लोहे के बर्तन हैं इन्हीं में रखते हैं, इससे शरीर को ताकत मिलती है और जो खाना है और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। क्या बात है, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी। ये देखो दोस्तों, अच्छा ये कौन सा घी रखा हुआ? सर जी किंग सो है, रिफाइंड ऑयल है। अच्छा, ये रिफाइंड ऑयल हल्का यूज़ करते हैं, ये मतलब मक्खन होता है बटर, ये बॉयल कर लेते हैं।
और ये अपनी हो गई हरी मिर्च, ये हरी मिर्च काट के रखी है, ये अपना ऑनियन और ये हरी मिर्च काट साबुत किसी को साबुत नहीं। अच्छा साबुत भी, हाँ जी बहुत। ये अपनी सॉसेज होगी, ये पनीर भी रखा हुआ है, इसको पानी में रखते हैं फ्रेश रहने। अच्छा दोस्तों ये देखो पनीर रखा हुआ, आप साफ सफाई देख सकते हैं, कुलचों के ऊपर बटर की कोई कमी नहीं दोस्तों, स्पीड से पता चलता है उसका काम करने का ढंग ही अलग होता है, जैसा इनका नाम वैसा ही काम है ना। कलर देखो इनके बिल्कुल गोल्डन ब्राउन आ रहा है ना मुँह में पानी देखे, है ना जबरदस्त। तो दोस्तों जिस जिसने भी यहाँ के कुलचे खाए हैं ना अपने कमेंट नीचे करें, और जिसने अभी तक नहीं खाए जल्दी से यहाँ आए और खा के जाए। अब इसको ये यहाँ पर बन गया, ये इनको अरेंज करके रखेंगे, अब इसके अंदर जाएगा ऑनियन। सरदार साहब की स्पीड इतनी है कि मुझसे शूट कर वो इतनी जल्दी जल्दी कर देते हैं। और ये देखिए ऑनियन आ गया इसमें, ये आ गया जी ऊपर से चाट मसाला, हरी मिर्च जिस जिसको चाहिए उसके लिए तभी डाल देते होंगे जब चाहिए। ये देखिए दोस्तों इसमें आ गई सॉस, यहाँ जैसे ही ये बनाते हैं ना वैसे ही लगते हैं, ऑर्डर पैकिंग का ऑर्डर भी बहुत है इनके पास। तो ये देखिए इन्होंने पेपर वाले बैग रखे हुए हैं पैकिंग के लिए, ये जी किसी का ऑर्डर था। ये देखिए दोस्तों म्यूनी क्रीम कुलचा, अरे वाह क्या बात है ना दोस्तों मज़ेदार। इसके अंदर जाएगा ऑनियन, इसमें ऑनियन आ गया, मसाला स्वाद अनुसार सॉस, अरे क्या बात, थोड़ा और चाट मसाला। सर इसका प्राइस कितना था? ये 30 सर, 30 रुपये 30। अरे वाह, ये देखो दोस्तों आ रहा है ना मुँह में पानी देख के, देखो 30 रुपीज़ में सिर्फ, क्या बात है। ये किसी का ऑर्डर है, जिनका ये ऑर्डर था उनसे बात करते हैं। हेलो सर, सर आपका नाम? हर्षदीप सिंह। सर आपने किस चीज़ का ऑर्डर किया? कुलचे का, क्रीम वाला। कितनी देर से खा रहे हैं? दो साल हो गए। दो साल हो गए। टेस्ट इसका बहुत बढ़िया है जी, साफ सुथरा कुलचा है। थैंक यू सर। ये देखिए दोस्तों रश देख के आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्वालिटी कैसी। ये देखो दोस्तों काम करने का ना ढंग देखो आप, है ना मज़ा। इस तरह के कुलचे ना आपने कम ही खाए होंगे, बहुत से खाए होंगे, पर अगर आप यहाँ आके खा के जाओगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ का टेस्ट क्या। ये इनके रेट है आप देख सकते हैं। ये देखो दोस्तों इन्होंने जितने भी लाइसेंस चाहिए होते हैं फूल के लिए वो लेके रखे हुए। तो सर के साथ जो काम करते हैं उनके मिसेज हैं, उनसे पूछते हैं। हेलो मैम, सत श्रीकाल। मैम आपका नाम? मेरा नाम सतवीर कौर है। के साथ पूरा हेल्प करवाते हैं? हाँ जी। अच्छा रोज आते हैं? हाँ जी रोज सुबह। अरे वाह बहुत बढ़िया, तो आपको ये सारा काम आता है? हाँ जी आता है। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। इसको ना साथ के साथ मिलाते रहते हैं जिससे ये प्रॉपर हरे तरह से पूरा गोल्डन कलर है दोनों साइड। ये आपको नजदीक से दिखा, ये ऑर्डर था इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सती। सर आप कब से आ रहे हैं इनके पास? मैंने हो गई 2 साल। टेस्ट के बारे में बताइए। टेस्ट बढ़िया ही, मक्खन मुखन वाला ही, खा के देखो जी बढ़िया ही। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए आ गए जी, और मक्खन ऊपर से। तो दोस्तों हम अपने लिए चाय बनाते हैं, और हरी मिर्च तो आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप पसंद करते हो तो करवा सकते हैं। ये आ गया जी ऑनियन सब, ये आ गया जी ऊपर से मसाला। ये सर मसाला आप खुद बनाते हैं? हाँ जी सर, ये खुद बनाते हैं चाट मसाला। अरे वाह, ओके जी। एक पीस में हरी मिर्च डाल दीजिए बस, सिंपल एक सॉस डाल दीजिए। तो दोस्तों ये आ गया जी अपना कुलचा, इसका मैं टेस्ट करके बनाता हूँ आपको। कुलचा इतना ज़बरदस्त है ना, क्रिस्पनेस इसमें, नहीं तो कुलचों में ना क्रिस्पी कम हो गया जी, इतना क्रिस्पी है ना क्या होता है। और जो बीच में आलू और छोले डाले हुए हैं उनका टेस्ट, जो स्पेशल मसाला डाला रियली आप बाकी जी के कुलचे खाओगे ना। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ के कुलचे खाए, जिस जिसने बाकी जी का कुलचा खाया वो अपना एक्सपीरियंस नीचे शेयर करें, और हाँ जिसने अभी तक इनका कुलचे का टेस्ट नहीं किया वो जल्दी से आके आए और बाकी जी के कुलचे खाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो।